नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल एजुकेशन फॉर यू में। और ये हिंदी व्याकरण का चौथा वीडियो है। अभी तक आपने पूरे 3 वीडियोस नहीं देखे हुए हैं तो उससे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए और तीनों वीडियो देखिए। साथ ही साथ बता दूं आपको कि अनअकैडमी में सीटेट और यूपी टेट 2018 के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का मैंने प्रैक्टिस सेट बनाया हुआ है वहाँ पे, पर्यावरण का और बाल विकास का। तो उन सेट को आप जरूर देख लें। कोई भी प्रॉब्लम आती है सेट को देखने के लिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, उस लिंक से आप उन वीडियो को देख सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं अनअकैडमी में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन है उसमें बताया गया है कि मनोयोग शब्द में किस संधि से बना हुआ है। ऑप्शन है आपके सामने, वृद्धि संधि, आयधी संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो मनोयोग में कौन सी संधि है? आप लोग लास्ट में स्कोर कमेंट कर रहे हैं आपका क्या होगा, 40 क्वेश्चन से आउट ऑफ आपका क्या स्कोर रहा। तो इसका राइट आंसर जो होगा इसमें है विसर्ग संधि। क्वेश्चन टू, चंद्रमौली शब्द किस समास का बना हुआ है? ऑप्शन से बहुव्रीहि, द्वंद, अव्ययभिभाव भाव और तत्पुरुष। तो राइट आंसर है इसका बहुव्रीहि समास। क्वेश्चन नंबर थर्ड, द्वंद समास होता है। द्वंद समास क्या होते हैं आपने समास पढ़ा होगा, तो जिसके पूर्व पद प्रधान होता है, जिसके सभी पद प्रधान होते हैं, जिसका दूसरा पद प्रधान होता है या उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो द्वंद समास क्या होता है? तो द्वंद समास एक ऐसा समास होता है जिसके सभी पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं, उसे द्वंद समास कहते हैं। तो ऑप्शन बी है जो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, कौन सा शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है? तो ऑप्शन ए दिया है गगनचुंबी, ऑप्शन बी पद दलित, ऑप्शन सी बलहीन और ऑप्शन डी दिया हुआ है खान पान। तो देखिए तत्पुरुष समास की बात हो रही है तो तत्पुरुष समास का जो एक उदाहरण नहीं है वो है खान पान। रिजल्ट क्लियर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, तद्भव शब्द कौन सा है? यहां पे दिया हुआ है ऑप्शन में अमरुद, बी आमदनी, सी ऑफिस और डी दिया है अनमोल। तो तद्भव शब्द की हम बात करेंगे यहाँ पर, तो अनमोल जो है वो कहीं तक एक तद्भव शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर लेंगे सिक्स, अगद शब्द नहीं है। ऑप्शन है अदालत, आदमी, सी औरत और डी दिया है बहन। तो ये अगद शब्द जो है इसका मतलब जो है वो बहन नहीं होता है, जबकि अगद का अदालत भी होता है, आदमी भी होता है और औरत भी होता है। तो राइट आंसर क्या होगा हमारे पास, डी जो बहन दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यायवाची शब्दों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? पर्यायवाची शब्द होने चाहिए दोनों युग्मों में, अनिल और समीर, खग और विहग, अनाथ और सनाथ, तन और काया। तो कौन सा नहीं है इसमें, जल्दी से बता दीजिए। क्वेश्चन नंबर सेवन, तो सेवेंथ का जो होगा सा अनाथ और सनाथ जो है कहीं तक पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन नंबर एट, निम्नलिखित में से कौन सा अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है? चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन में, जल्दी से रीड करके आंसर बताइए मुझे। अश्व का पर्यायवाची कौन सा एक शब्द है जो नहीं है? तो वो है बी वाला जो अश्व का पर्यायवाची नहीं है, और ये जो तीनों वर्ड लिखे हुए हैं ये अश्व के पर्यायवाची शब्द है, रिमेंबर दैट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से विलोम शब्द का सही युग्म आपको चूज करना है, इसमें सही युग्म कौन सा है विलोम शब्दों का। चलिए देखते हैं विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। चार ऑप्शंस आपके स्क्रीन में, जल्दी से रीड करिए इसे। देखिए यहाँ अधिक और अल्प दिया है, अधिक का मतलब ज्यादा, अल्प का मतलब कम, तो ये तो सही लग रहा है। कठोर कोमल ये भी आपको सही लग रहा है, ठीक है। आरंभ और प्रारंभ दिया है मुख और गौड़, ठीक है। तो ये मुख का मतलब होता है जो एकदम जरूरी है, गौड़ मतलब इसकी आवश्यकता नहीं होती है, सेकेंडरी हम इसे कह सकते हैं। तो यहाँ कहीं तक आरंभ और जो प्रारंभ है, ठीक है, ये एक आपके पास समानार्थी शब्द है, विलोम शब्द नहीं है। तो राइट आंसर होगा आपके पास सा। अगले क्वेश्चन में रख लेता हूँ आपको, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विपरीत है? तो जल्दी से बताइए कौन सा युग्म आपको विपरीत अर्थ दे रहा है यहाँ पर, 10वें नंबर का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे यज्ञ प्रयज्ञ दिया हुआ है, ज्ञानी विग दिया हुआ है, यहाँ पे मयंक और मृगंक दिया हुआ है, पादप और विपट दिया हुआ है। काफी टफ क्वेश्चन ये,
देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा यहाँ पर। चलिए रख लेता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन। विमुख का विलोम शब्द है तो क्या है, अमुख, उमुख, प्रमुख या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विमुख का विलोम शब्द आप सभी को पता है क्या होना चाहिए, यहाँ पे उन्मुख होना चाहिए। इज दैट क्लियर। क्वेश्चन नंबर 12। अर्थ की दृष्टि से वाक्य के कितने भेद किए जाते हैं, जल्दी से बताइए। दो किए जाते हैं, एक किए जाते हैं, आठ किए जाते हैं या 20 किए जाते हैं। तो अर्थ की दृष्टि से अगर हम देखें तो वाक्यों के आठ भेद बताए गए हैं। कितने भेद बताए गए हैं? आठ। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से भेद हैं। तो आप देखें यहाँ पर, तो अर्थ की दृष्टि से कितने भेद हैं? आठ भेद है। अगर आप पहला देखें तो वो दिया है आपको विधानवाचक दिया हुआ है, दूसरा आप देखें तो वो निषेधवाचक दिया हुआ है, तीसरा आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, विस्मयवाचक और ये है आपका संकेतवाचक। ये आठ वाक्य दिए गए हैं अर्थ की दृष्टि से, अर्थ के आधार में ये हम कह सकते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, या पीडीएफ चाहिए आपको तो आप जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम ऐप में, जहां आपको सारे वीडियो की पीडीएफ मिलते रहती है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करें और कमेंट करना ना भूलें कि कैसा रहा ये वीडियो और किस तरह की वीडियो आपके लिए लाऊं मैं, तो जरूर से जरूर कमेंट करें। जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय होता है वो क्या होता है? कुछ ऑप्शन आपके स्क्रीन में दिए हुए हैं। क्या मिश्र वाक्य होता है, दूसरा आश्रित वाक्य होता है, संयुक्त वाक्य होता है या होता है सरल वाक्य? 13वें नंबर का क्वेश्चन हम लेंगे। तो जिस वाक्य में उद्देश्य और एक विधेय होता है वो होते हैं सरल वाक्य। कौन से वाक्य होते हैं? वो सरल वाक्य होते हैं, मतलब ऑप्शन जो अपने पास सी है, द है, सॉरी डी, वो सही होगा। अगले क्वेश्चन रख लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? जल्दी से आप लोग रीड करेंगे कौन सा वाक्य शुद्ध है ये मुझे आप बताएंगे। देखिए इसमें जो दूसरा है वो वाक्य शुद्ध है, वह आप पर श्रद्धा रखता है। देखिए गलत है, ये आपकी श्रद्धा रखता है, वह आपसे श्रद्धा रखता है, वह आप में श्रद्धा रखता है, तो ये गलत है, वह आप पर श्रद्धा रखता है, दैट इज अ राइट। 15वें नंबर का मैं क्वेश्चन यहाँ पे लेता हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? वाक्यों को सब विचार अच्छा है, आप कुशल होंगे, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, आप मुझे पर विश्वास कीजिए। तो 15वें नंबर का क्वेश्चन हम देखेंगे, राइट आंसर जो होगा वो पहला होगा यहाँ पर, सही, आपका सब विचार अच्छा है। तो ये वाक्य जो है कहीं ना कहीं अशुद्ध है। क्वेश्चन नंबर मैं रख लेता हूँ 16। और इससे पहले बता दूं आप प्ले लिस्ट जरूर विजिट करें सारे वीडियो को एक साथ देखने के लिए, ठीक है। निम्नलिखित में से किस वाक्य में विराम चिन्हों को उचित प्रयोग हुआ है? देखिए यहाँ विराम चिन्हों का उचित प्रयोग आपको ढूंढना है। 16वें नंबर का क्वेश्चन आप कर रहे हैं यहाँ पर। तो पहला वाला देखो यहाँ पे रीड करिए फटाफट, आपको चारों ऑप्शन दिखा देता हूँ मैं। तो किसमें विराम चिन्हों का सही प्रयोग है ये आपको मुझे बताना है। तो आप देखेंगे यहाँ पे रमेश के बाद एक डॉट लगा हुआ है 20 वाले में हम देखेंगे, और तुम्हारे पिता का नाम क्या है, फिर एक यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आपको देखने को मिल जाता है। तो ये कहीं ना कहीं विराम चिन्हों का सही यूज हुआ है इस वाले वाक्य में। आगे मैं रख लू आपको क्वेश्चन नंबर 17। निम्नलिखित में से किसमें विराम चिन्हों का अनुचित प्रयोग हुआ है? बताइए किस वाले क्वेश्चन में विराम चिन्ह गलत यूज किए गए हैं या गलत प्रयोग किया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 17 अगर हम देखें तो ये बोल रहे हैं कि दूसरे में यानी बा में, जिसमें जड़ के बाद डॉट लगा हुआ है, चेतना गुण के बाद लगा हुआ है, दोष में विराम चिन्ह को अनुचित प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखें तो हम इसका राइट आंसर जो होगा वो बी वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18। धूल फौंकना मुहावरे का क्या अर्थ है? इधर उधर टहलना, धूल भरी राह पर चलना, दर दर भटकना या है धूल उड़ाते चलना। तो राइट आंसर जो होगा इसका दर दर भटकना होगा। इज दैट क्लियर। आगे मैं आपको रख लू क्वेश्चन नंबर 19 में। तो अधजल घगरी छलकत जाए, इस कहावत का क्या अर्थ है? चार ऑप्शन जल्दी से रीड कर लीजिए आप। तो अधजल गगरी छलकत जाए, इस कहावत का अर्थ है अल्प ज्ञान पर
इतराना होता है। जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो थोड़ा सा ज्यादा कुछ दिखावा करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। तो इसके अनुसार अगर हम देखें तो जो बी वाला राइट आंसर होगा, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूं आपको सभी के सभी। और चलिए जल्दी से क्वेश्चन को रीड कर लीजिए आप, काफी बड़ा क्वेश्चन ये, फिर आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूं। तुम जो अपने हाथों में विधि से ज्यादा ताकत रखते हो, मेहनत से रहते हो, खेतों में जाकर खेती करते हो, पेड़ों को ऊंचे ऊंचा करते हो, मेघों में पानी भरते हो, फसलों की उम्दा नस्लें हर साल नई पैदा करते हो, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि किसे संबोधित कर रहा है? वकील को, मजदूर को, किसान को या जवान को? क्वेश्चन नंबर 20 आप डिस्कस कर रहे हैं मेरे साथ। और रोजाना ये एजुकेशन फॉर यू हमारा जो तो चैनल है उसमें इस तरह के वीडियोस आपको देखने को मिल जाते हैं। और बता दूं आप लोगों की आप ये वीडियो को थोड़ा सा बढ़ाएं, अपने व्हाट्सएप में, फेसबुक में इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर के साथ, ताकि ये वीडियो थोड़ा सा ज्यादा हो सके और इससे अच्छे वीडियोस मैं आपको ला कर दूंगा। क्योंकि जितना अच्छा हमें रिस्पॉन्स मिलता है हम उतनी ही मेहनत करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, 21 नंबर का। कौन सा शब्द गुण संधि का उदाहरण नहीं है? बताएंगे आप 21 नंबर का क्वेश्चन, कौन सा शब्द जो है वो गुण संधि का उदाहरण नहीं है, सॉरी उदाहरण है, सॉरी फॉर दैट। तो इसमें आप देखेंगे तो जो सा है देवेंद्र, देवेंद्र जो है कहीं तक गुण संधि का उदाहरण है, बाकी जो दिए हुए हैं अन्य उदाहरण वो जो है गुण संधि के उदाहरण नहीं है। फ्रेंड्स 22 लेंगे हम। विद्यालय में अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र किसे संबोधित कर लिखा जाता है? तो कुछ ऑप्शन दिए हैं आपको, क्या प्रधान अध्यापक को किया जाता है, कक्षा अध्यापक को, निरीक्षक को या कक्षा प्रतिनिधि को? तो जो विद्यालय के लिए जो एक अवकाश के लिए प्रार्थना पत्र जो संबोधित होता है वो होता है प्रधान अध्यापक को। नेक्स्ट क्वेश्चन रख लेता हूँ आपको, 23। विद्युत आपूर्ति में बार बार आने वाली बाधा को दूर करने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाएगा? प्रार्थना पत्र, निजी पत्र, शिकायती पत्र या व्यावसायिक पत्र? देखिए बार बार उसमें बाधा आ रही है ये नोट डाउन करना आप। 23 नंबर का आप सभी को पता है कि यहाँ पे लिखना होगा आपको शिकायती पत्र लिखनी होगी वहां पर, क्योंकि वहां पर आप किसी बाधा का सॉल्यूशन मांग रहे हैं ना, तो वो होता है शिकायत। आगे हम चलेंगे यहाँ पर, तो इनमें से निबंधकार के रूप में कौन चर्चित चर्चित रहा है? बताइए चारों ऑप्शन में से कौन सा निबंधकार के रूप में चर्चित रहे हैं। 24 नंबर का क्वेश्चन में देखूं तो इसका राइट आंसर जो होगा वो ए होगा, दैट इज राइट आंसर। आगे मैं रख लेता हूं आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में। कल्पलता किसके निबंधों का संग्रह है? बताइए कन्हैयालाल मिश्र जी का है, हजारी प्रसाद जी का है, कुबेरनाथ जी का है या सरदार पूर्ण सिंह जी का? कल्पलता मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट ले लेंगे सभी लोग। तो इसका राइट आंसर जो होगा 25 वाले का वो होगा बी, ये जो है ये कुबेरनाथ राय की निबंधों का संग्रह है कल्पलता। इज दैट क्लियर? काफी अच्छा क्वेश्चन आपको एक साथ मिल जाते हैं इन वीडियो में। तुम्हारी श्री क्वेश्चन नंबर जल्दी से ट्वेंटी से रीड कर लीजिए। हाँ तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता दूं 26 का वो होगा ए, नागार्जुन। अगले क्वेश्चन में तो आपको रख लूं यहां पर, तो जल्दी से आप क्वेश्चन नंबर 27 रीड कर लीजिए और आंसर मुझे दीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी आप लोग ले लें इसका 27 नंबर क्वेश्चन का। और इसका राइट आंसर बता दूं मैं आपको, माखन लाल चतुर्वेदी इसका राइट आंसर होगा। और काफी इंपॉर्टेंट एक बार फिर से बोलूंगा मैं यहाँ, कीदी और कोकिला शीर्षक कविता है, इनके कवि का नाम क्या है? तो रिपीट इसलिए करना पड़ा मुझे क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आगे मैं रख लेता हूँ 28 नंबर के क्वेश्चन में। सिंगार रस का स्थायी भाव क्या है? सिंगार रस का, तो आप सभी को पता है यहाँ पे सिंगार रस का स्थायी भाव जो है वो रति या प्रेम होता है। क्या होता है वो? रति या प्रेम होता है।
तो यहाँ पर आप देखेंगे पर तो आपको दो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जो मैं बोल रहा हूँ यहाँ, सौंदर्य, प्रेम, वैराग और रति। तो यहाँ पर श्रृंगार रस का स्थायी भाव जो होता है रति भी हो सकता है और यहाँ पर प्रेम भी हो सकता है, पर जो अभी यहाँ ऑप्शन दिए हैं उसके अकॉर्डिंग हम रति में ही जाएंगे। 29 नंबर क्वेश्चन में लूंगा, चलिए जल्दी से रीड कर लीजिए ताकि आप इसका आंसर मुझे बता सके। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, सही होगा, रिमेम्बर दैट। और इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है वो। चलिए आगे मैं रख लूँ यहाँ पे, तो जल्दी से क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप। यहाँ पे सोटा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी मात्राएं होती है, किसमें बोल रहा है ये, पहले और तीसरे चरण में, रिमेम्बर दैट। आगे मैं आपको रख लूँ तो जल्दी से बताइए यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका। ऑप्शन जो राइट होगा वो दूसरा होगा, 11 11 मात्राएं, ठीक है। बड़ा क्वेश्चन था ये, बता दूं आपको मैं। हिंदी की बहुचर्चित आत्मकथा जूठन का लेखक कौन है? देखिए यहाँ पे ये हिंदी की फेमस है कविता जो है, सॉरी आत्मकथा जो है, तो जल्दी से इसका लेखक, ये भी आप लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लेंगे आप। राइट आंसर बता दूं मैं आपको, ओम प्रकाश वाल्मीकि जो है वो इनके लेखक हैं। 31 नंबर का क्वेश्चन, 32 में आपको रख लेता हूं मैं। देखिए इस पंक्ति में जो राम धरी सी दिनकर दिए हैं, इनने किसका गौरवगान किया हुआ है? तो क्या भगत सिंह का किया है, सरदार पटेल का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, या महात्मा गांधी जी का? तो ये जो पंक्ति है इससे आप पढ़ेंगे ध्यान से तो आपको पता चलेगा कि महात्मा गांधी जी का यहाँ पर गान किया गया। मंत्र शीर्षक कहानी के लेखक का नाम क्या है? आई थिंक सभी को पता है ये, फिर बताना चाहूंगा, प्रेमचंद। क्या नाम है उनका? प्रेमचंद। निम्नलिखित में से कौन सी जयशंकर प्रसाद की रचना नहीं है? चित्रधार, कनन कुसुम, गीतिका या इरावती? तो कौन सी रचना नहीं है? 34 नंबर का क्वेश्चन, आप इसका राइट आंसर जो होंगे सा वाला जो है, ये कहीं ना कहीं जयशंकर प्रसाद जी की रचना के अंतर्गत नहीं है, इनकी रचना नहीं है ये, जबकि जो सारी रचना है वो जयशंकर प्रसाद जी की ही है। तो यहाँ पे तीन जो रचना है उसे आप याद कर लीजिए कि वो जयशंकर प्रसाद जी की ही है। आगे मैं चलूँ यहाँ पर, तो साय में धूप किसकी गजल का संग्रह है बताइए, 35 नंबर का क्वेश्चन। तो ये है बी, दुष्यंत कुमार जी की। किसकी है ये? दुष्यंत कुमार। वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन पढ़ना होगा आपको, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बता दूं ये उक्त पंक्ति में किसकी चर्चा की जा रही है, आपको ये बताना है। एक बार पॉज करके आप पढ़ लें, मैं भी आपको आंसर बता दे रहा हूं। तो इसमें जो चर्चा की जा रही है वो उपभोक्तावाद की चर्चा यहाँ पर की जा रही है पंक्तियों में, आप देखेंगे इसे जरूर। और अगला क्वेश्चन मैं रख लेता हूँ, निम्नलिखित में से कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर लिखी गई है? 37 नंबर क्वेश्चन, तो ये जो लिखी गई है उसने कहा था, ये लिखी गई है प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में, उसने कहा था, इज इट क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 38, अतीत के चलचित्र किसकी महत्वपूर्ण गद रचना है? दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अतीत की चलचित्र किसकी गद रचना है? तो ये है महादेवी वर्मा जी की, रिमेंबर दैट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी की अभी। अतीत के चलचित्र जो है ये महादेवी वर्मा जी की रचना है। और आगे मैं यहाँ पे लू आपको, तो 38 ही यहाँ पर आपको क्वेश्चन मिल जाते हैं, आगे क्वेश्चन नहीं है। तो फ्रेंड्स ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अपना स्कोर जरूर लिखें, कितना स्कोर रहा आपका, 38 आउट ऑफ, आपने 39 ले लिया, सॉरी 37 ले लिया या 36 लिया, जो भी लिया आपने, आप यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल के प्ले लिस्ट में जाए, सारे वीडियो देखें और अनअकैडमी में जरूर मुझे फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए नॉलेज के साथ, थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।